दोस्तों, अगर आप गोविंदा के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में गेट वेल सून जरूर लिखें, क्योंकि आपको बता दें कि गोविंदा को गोली लग गई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। जी हाँ, हिंदी फिल्म लवर्स के दिलों की धड़कन एक्टर और पॉलिटिशियन गोविंदा से जुड़े एक खबर ने मंगलवार सुबह लोगों को शॉक्ड कर दिया। गोविंदा के साथ एक हादसा हुआ और उनकी अपनी ही रिवॉल्वर से चली गोली उन्हें लग गई। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बड़ी राहत की खबर ये है कि गोविंदा के पैर से गोली निकाल दी गई है और अब वो खतरे से बाहर हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम। जानकारी के अनुसार गोविंदा को मंगलवार सुबह कोलकाता के लिए निकलना था। वो घर पर अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे और जाने की तैयारियों में लगे थे। गोविंदा के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिसे उन्होंने केस में रखा और उसे अलमारी में रखने लगे। अलमारी में रखने से पहले उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया और मिस फायर हो गया। ये बात सुबह 4:45 की है। मिस फायर से चली गोली गोविंदा के पैर में उनकी जांघ पर जाकर लगी और वो घायल हो गई। गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि उन्होंने खुद ही गोली लगने की जानकारी उन्हें दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गोविंदा को इस हादसे के तुरंत बाद उनके घर के पास क्रिटिकेयर हॉस्पिटल ले जाया गया। गोविंदा के पैर से गोली निकाल दी गई है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। फिलहाल गोविंदा की हालत स्थिर बताई जा रही है। जिस वक्त गोविंदा के साथ ये हादसा हुआ तब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कोलकाता में ही थी। गोविंदा के ट्रीटमेंट के दौरान उनकी बेटी टीना हॉस्पिटल में उनके साथ थी। घटना की जानकारी मिलते ही सुनीता भी कोलकाता से मुंबई के लिए निकल गई। उनके करीब 12 बजे तक मुंबई पहुँचने की उम्मीद थी।